सो हाय हेलो नमस्कार, आप सभी को सुप्रभात। और मैं आज सवेरे ऐसे ही टहलने आया था, जो कि मैं हर रोज़ आता हूँ, तो मेरे को लगा कि इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल वीडियो बनाना चाहिए। आप फ़िलहाल देख सकते हैं कि मैं रिवर व्यू के सामने खड़ा हूँ और ये है वो रिवर। खैर, अभी आते हैं इस मुद्दे पे। काफ़ी लोग अब IBPS PO रिज़ल्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और मैं दो चार सब्सक्राइबर से बात कर रहा था, वहाँ पे उन्होंने यही पूछा मेरे से कि सर, जब IBPS का जब मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा तो वी आर नॉट श्योर कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन किए हैं। तो मैंने उन सभी से पूछा कि आर यू श्योर कि आपका IBPS PO प्रीलिम्स निकल जाएगा? तो उनका कहना है हाँ सर, वी आर श्योर। और कल आपने खबर भी देखा होगा कि 53 और वैकेंसीज एड ऑन हुई है, 8,000 लगभग अभी वैकेंसीज है, लंबा समय है। तो वैकेंसीज जो है वो 10,000 मार्क क्रॉस कर सकता है, और ये बहुत बड़ी बात है कि अब एक IBPS PO एग्ज़ाम में इतनी वैकेंसीज आना, तो इसके लिए प्रीलिम्स कितनी इंपॉर्टेंस रखती है दोस्तों, शायद आप मेरे बातों से समझ गए होंगे। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आप ये बताओ कि IBPS PO प्रीलिम्स का क्या? तो दे आर प्रिटी मच श्योर कि हाँ सर, ये तो मेरा निकल जाएगा। लेकिन जब बातें आ रही है कि व्हाट अबाउट योर मेंस, उनका कहना है कि सर वी आर नॉट श्योर। तो वो पढ़ाई का ही किया, जब IBPS PO प्रीलिम्स के बारे में आप श्योर हों, लेकिन IBPS PO मेंस होगा कि नहीं होगा, दैट क्लियरली जस्टिफाइज कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो ढंग से चल नहीं रही, एंड दिस इज़ नॉट ए गुड इंडिकेशन। और देखो, प्रीलिम्स निकाल देना, यू विल बी ऑन ए हाई एडवांटेज, आप एक बड़े एडवांटेज में होगे, क्योंकि आगे का जो रास्ता होगा वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मैं बार बार आप सभी को बोल रहा हूँ, ईजी हो जाएगा। लंबा टाइम है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन 26 नवंबर को है। एक्सपेक्टेशन ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर को ही IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए, क्योंकि 12, 19 और 20 प्रोबेबली SBI क्लर्क प्रीलिम्स का जो है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट है। तो वो कहीं ना कहीं, अगर मान लो कि अगर उसी आसपास में अगर आता है तो एग्ज़ाम्स कोलाइड कर रहे हैं, तब प्रिपरेशन जो है वो ढंग से हो नहीं पाएगा। सो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, देखो मैं किसी से इतना गुजारिश नहीं करता, मेरे पर्सनल लाइफ में मैंने किसी से इतनी रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स से यही रिक्वेस्ट करा है कि यू शुड बी ऑन योर टारगेट, आपको ये टारगेट आपको समझना पड़ेगा। एंड जो आपकी क्वेरी है, जो आप ये पूछते रहते हैं कि सर अब इसके रिजल्ट के बारे में क्या, तो मोर देन रिजल्ट इट शुड बी योर प्रिपरेशन जो आपकी डिटरमाइन करे कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं। दैट्स इट।